जहां सर्वेश्वर रघुनाथ मंदिर में 3 दिवसीय पटोत्सव कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया है। इस दौरान देश और दुनिया से हजारों श्रद्धालु, कई महामंडलेश्वर साधु संत भारी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान हवन यज्ञ और भंडारे के बाद 3 दिवसीय पटोत्सव का समापन हो गया। समापन से पहले सर्वेश्वर रघुनाथ जी का भव्य रूप से श्रृंगार किया गया। हमारे संवाददाता अनिल एरन ने श्रद्धालुओं से बातचीत की, देखिए रिपोर्ट। रघुनाथ जी भगवान राम के मंदिर में है जहाँ पे पाटोत्सव मनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं दुनिया से देश से जो है पूरे के पूरे श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पे भजन मंडली आती है। आप क्या बताइए कि किस प्रकार का आयोजन रहता है और कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह रहता है? यहाँ पटोत्सव में सबको आमंत्रण देते हैं। गुजरात से आते हैं, अहमदाबाद से, उन्नाव से, पालनपुर से, और सब मंडली आती है। 24 कलाक की कीर्तन भक्ति करते हैं और गरबा भी खेलते हैं और पूरे माउंट आबू में वो राम जी का भरघोड़ा निकालते हैं और बहुत मजा आती है हमको। हम मैं 28 साल से आती हूँ, हर साल बोले कि अभी कभी पाटोत्सव आए और हम जाए, पाटोत्सव आए और हम जाए। आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत मजा आती है इधर। पूरा एंजॉय करने का माहौल होता है इधर रघुनाथ जी के मंदिर के अंदर। रघुनाथ जी के मंदिर के अंदर कैसा कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा। इधर सबको आना चाहिए, ये दिन लगता है 3 दिन, बहुत मजा आता है। और भजन मंडली घर पे भी खेलते हैं हम सब लाइव और बहुत मजा आता है। बहुत मजा आता है इस प्रकार से जो है यहाँ पर 3 दिन का जो पाटोत्सव होता है एक तरह से बहुत अच्छा रघुनाथ जी का मेला होता है। गुजरात से सभी लोग आते हैं, ट्रस्टी लोग आते हैं, बहुत आनंद आता है भगवान राम के मंदिर में। भगवान राम के मंदिर के अंदर किस प्रकार से जो है लोग आते हैं और कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह रहता है। कैमरा पर्सन जगदीश जाट के साथ अनिल एरन, इंडिया न्यूज।